हम आज आपको देवघर मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। बाबा बैद्यनाथ धाम की अनेक विशेषताएं हैं जो अन्य तीर्थ स्थलों से भिन्न मानी जाती है। ऐसी ही एक विशेषता है यहाँ की स्थित सभी मंदिरों के ऊपर त्रिशूल की जगह पंचशूल का होना। जानकारों के अनुसार देश के सभी द्वादशक ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ बैद्यनाथ धाम में ही सभी मंदिरों के ऊपर पंचशूल है, जिसका शास्त्रों में भी वर्णन है। बाबा मंदिर परिसर स्थित मुख्य द्वार सहित सभी मंदिरों के ऊपर त्रिशूल की जगह पंचशूल है, जो वास्तुकला की दृष्टिकोण से इसे अलग पहचान देती है। इसके पीछे धार्मिक मान्यताएं हैं, जो पुरोहित पंडित दुर्लभ मिश्र के अनुसार भगवान भोलेनाथ को प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय पंचाश्रय होता है। भगवान भोलेनाथ को रुद्र रूप पंचमुख है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर ने अपने सबसे प्रिय शिष्य शुक्राचार्य को पंचवर्णम निर्माण की विधि बताई थी। बाद में लंकापति रावण ने शुक्राचार्य से यह विधि सीखी और उसी आधार पर उसने लंका को चारों द्वार पर पंचशूल लग पाया था। यह पंचशूल मनुष्य को अजय शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि भगवान राम के लिए भी लंका पर आक्रमण करना मुश्किल हो गया था। बाद में विभीषण द्वारा इस रहस्य की जानकारी भगवान राम को दी गई थी। तब अगस्त मुनि ने पंचशूल ध्वस्त करने का विधान बताया था। रावण ने उसी पंचशूल को इस मंदिर पर लग पाया था ताकि इस मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंच सके। बाबा धाम में स्पर्श पूजा का महत्व है, लेकिन इन दिनों अर्थ के माध्यम से बाबा का जलाश्रण हो रहा है। पंडित मिश्र के अनुसार कोई श्रद्धालु जलापन करने में असक्षम है तो पंचशूल का दर्शन करते ही बाबा का दर्शन जैसा फल प्राप्त होता है। दूसरी ओर ऐसी मान्यता है कि ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ शिव की उपासना से हो सकती है और मनुष्य के मोक्ष का मार्ग प्रस्त करता है। मोक्ष प्रदान के लिए भगवान भोलेनाथ यहाँ पंचशूल धारी के रूप में विराजमान है। जानकारों के अनुसार इस पंचशूल के दर्शन मात्र से पूरे शिव परिवार के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। पंचशूल को तंत्र विद्या से भी जोड़कर देखा जाता है।